हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान और सरल तरीके से कुर्ती बनाना। तो अगर आप इसको जैसे पटियाला सलवार पे कुर्ती को पहनेंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगी। तो आज मैं आपको शॉर्ट कुर्ती बताऊंगी। तो देखिए, ये हमारा कपड़ा है वो 1.5 मीटर है और कपड़े को हमें लंबाई में डबल करके रखना है। ये देखिए, कपड़े को लंबाई में डबल करना है और इसको बनाना बहुत आसान और सरल तरीके से बताऊंगी। तो ये देखिए, हमने इसको लंबाई में डबल कर लिया। अब जैसे हमारी लंबाई है 30 इंच, तो हम यहाँ पे लंबाई ले लेंगे 32, 2 इंच ज़्यादा। यहाँ से हमें 32 इंच पे निशान लगाना। अब देखिए, 1.5 इंच में भी ये हमारा काफ़ी कपड़ा बचा हुआ है, तो इसको हटा देंगे। और यहाँ पे हमने 30 इंच लंबाई रखी है कुर्ती की, तो हमने ये लंबाई 32 इंच की ली है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये बगली का कपड़ा है इसको हटा देंगे और अपने घेर की जो पहले चौड़ाई निकालेंगे। जैसे हमें अपने घेर की चौड़ाई कितनी चाहिए, नीचे का घेर कितना चाहिए, तो जैसे चेस्ट तो हमारी 32 चेस्ट है और 30 लंबाई है, तो हमें यहाँ पे घेर की चौड़ाई चाहिए 19 इंच। तो 19 इंच हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इसको 1-1 इंच दबा देंगे तो ये 17 इंच की चौड़ाई हमारी बराबर आ जाएगी। जो नीचे का घेर है वो हमें 17 इंच की चौड़ाई का मिल जाएगा इतना। तो ये बाकी जो कपड़ा है उसको हटा देंगे और इसकी चौड़ाई हमें 19 इंच चाहिए कपड़े की। तो यहाँ पे ऐसे निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे। ये बाकी कपड़े को हटा दिया और इसकी चौड़ाई हमने 19 इंच ले ली है कपड़े की। ये देखिए, यहाँ पे हमें 17 इंच का घेर चाहिए, तो हमने 19 इंच चौड़ाई ली है और 32 इंच लंबाई ली है। 30 इंच की हमारी लंबाई रहेगी कुर्ती की। तो अब हम इसको डबल कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, 4 पल्लर होने चाहिए, ये बंद है और 2 खुले वाले। अब यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे, 6 इंच शोल्डर लेंगे और यहाँ पे शोल्डर का निशान लगा लेंगे और 6 इंच लेंगे आरोमल और यहाँ पे चौकुटा निशान। उसके बाद इंची टेप को ऐसे रखेंगे आधा इंच गोलाई का। अब देखिए, आरोमल का निशान हो गया। अब हमें चेस्ट का निशान लगाना है, तो 32 का आधा करेंगे तो 16 इंच, 16 का आधा करेंगे तो 8 इंच। तो 8 इंच पे हमारा ये फिटिंग का निशान है इस तरीके से। तो देखिए, अब हम जैसे यहाँ पे कितना खुला रखना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग तो 17 इंच पे खुला रखना चाहते हैं, कुछ लोग 18 इंच पे, तो आप अपने हिसाब से निशान लगा लें कि यहाँ से आप चाक कितने खुले रखने चाहेंगे। तो मैं यहाँ पे 18 इंच पे खुला रखना चाहूँ, 18 इंच पे रखेंगे हम खुला। तो देखिए, यहाँ पे ये हमने निशान लगा लिया। अब हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। तो देखिए, जैसे लड़की की जो कमर होती है वो पतली ही होती है, जितनी उसकी चेस्ट है उतनी ही उसकी कमर होती है नीचे की हिप। और यहाँ पे हमें थोड़ा आधा इंच का कम करना है। जैसे हमने यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाया है, तो इसको जैसे हम कमर पे कम निशान लगाएंगे, तो जैसे 12 इंच यहाँ पे, जैसे हमने 12 इंच निशान लगा लिया, तो यहाँ पे 8 इंच है, तो यहाँ पे आधा इंच कम कर देंगे, 7.5 इंच रखेंगे। 7 इंच और आधा इंच, आधा इंच की यहाँ पे हम गोलाई का निशान लगाएंगे और 8 इंच रखेंगे हम यहाँ पे अपने हिप।
लड़की की जो हिप होती है वो पतली होती है, तो इस तरीके से हम ये निशान लगा लेंगे। अगर आपकी हिप ज़्यादा है तो आप अपना निशान लगा लें यहाँ पे, जैसे 36 है तो 9 इंच पे निशान लगा लें हिप का, और चेस्ट का आप 32 चेस्ट है तो 8 इंच पे लगा लें। तो इस तरीके से आपको निशान लगानी है, अपनी हिप के हिसाब से निशान लगाना है और चेस्ट के हिसाब से। तो मेरा यहाँ पे 7.5 इंच है और यहाँ पे 8 इंच है। तो देखिए कितना सिंपल है निशान लगाना, इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ पे हमें 1 इंच चाहिए सिलाई के लिए, इस तरीके से सिलाई का निशान लगा लेंगे। अब गले की चौड़ाई हमें, जैसे गले की चौड़ाई हमें ज़्यादा नहीं रखनी है, 2.5 इंच की चौड़ाई, गले की लंबाई 6 इंच रखेंगे हम गले की लंबाई, और 2.5 इंच रखेंगे चौड़ाई। और इसमें हम देखिए यहाँ पे गोलाई का निशान लगा लेंगे। देखिए सिंपल है। अब देखिए मैं कटिंग करके बताऊँगी, पहले यहाँ पे गले की गोलाई का कटिंग। अब यहाँ पे कैंची का कट लगा लेंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ था वो भी मैंने कटिंग कर दी। अब देखिए इस तरीके से आएगा। अब जैसे हम पहले गले को तैयार करेंगे, एक चौकुटे कपड़े के ऊपर एक गले को रखेंगे, तो इसके लिए हमें एक सिंपल कपड़ा चाहिए, एक अस्तर ले लेंगे। तो उसके लिए हमें चौकुटा कपड़ा चाहिए, तो मान के चलिए ये हमारा चौकुटा कपड़ा है और इसको हमें नीचे से रखना है इस तरीके से, और यहाँ पे गले के ऊपर रख के हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद जो पीछे का कपड़ा है उस पर भी गोलाई में कटिंग कर लेंगे और इसको पीछे की साइड सिलाई लगा लेंगे, इस पर तुरपाई कर लेंगे। तो स्टिचिंग मैंने बताई है, देखिए जो वीडियो के नीचे हमारे चैनल का नाम आ रहा है। तो ये देखिए काफ़ी कपड़ा बचा हुआ है, तो हमें बाजू की लंबाई 10 इंच की बाजू की लंबाई रखनी है। तो यहाँ पे हम कपड़े की लंबाई लेंगे 11 इंच। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो कपड़े की चौड़ाई है वो है 17 इंच और लंबाई है 11 इंच, तो हमें 10 इंच की बाजू तैयार रखनी है। अब इसको ऐसे डबल कर लेंगे, डबल करने के बाद यहाँ पे लेंगे 3 इंच और इसको देखिए ऊपर की साइड लेके जाएंगे इस तरीके से।
इस तरीके से लेके जाना है। देखिए ऐसे काटना है इसको थोड़ा सा गोलाई में। अब यहाँ पे जैसे हमारी मोरी है 10 इंच, तो यहाँ पे लेंगे 6 इंच। अब यहाँ पे भी हम इसकी थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे क्योंकि इसमें हमें गुंजाइश चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब ये बाजू की कटिंग हो गई। अब देखिए 1.5 मीटर में हमने कुर्ती की कटिंग हो गई है और ये कपड़ा भी बचा हुआ है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।